नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एनकेसी न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पेपर दोस्तों तो आउट हो गया है, आपको ये पता है। और सभी छात्र कल गए थे पीएनपी पर धरना देने के लिए। दोस्तों, वहाँ धरना देने के लिए गए थे और सरकार को मांग भी की थी वो परीक्षा को निरस्त करने के लिए। तो दोस्तों, आपका परीक्षा निरस्त हुआ है कि नहीं हुआ, आपको पूरी कन्फर्म इसमें बताते हैं। तो दोस्तों, सरकार योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश निकल गया है, तो आपका पेपर रद्द हो गया है कि नहीं हुआ, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस वीडियो में दोस्तों। तो जानिए, ये 100% आपका पेपर जो है रद्द ही है, तो आपको बताते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को ऑन कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। कोई भी यूटीटेट या शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी अपडेट निकल आएंगे तो सबसे पहले मैं ही अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं क्या अपडेट मिलकर आ रही है। तो दोस्तों, जिसे हम देख पा रहे हैं, नए कट ऑफ से शिक्षा मित्रों की बड़ी मुश्किलें, और देख रहे हैं शिक्षा मित्र को लेकर परीक्षा निरस्त को लेकर। यहाँ से देख पा रहे हैं परीक्षा निरस्त करने के लिए क्या कहा था, कल ही देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से देखिएगा, परीक्षा निरस्त करने के लिए आंदोलन तेज और प्राथमिक विद्यालय में भर्ती की इच्छा जनवरी को हुई अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए होने के देखे कारण दिया है। तो आपको इसको पूरी अपडेट पढ़ के बताते हैं इसमें क्या अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ सब आपको अभ्यर्थी दिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से देख रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर बाल संघ चौराहे पर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। ये सब अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं। तो चलिए, अब यहाँ और आपको दिखाते हैं क्या अपडेट कहाँ निकल के आ रही है। यहाँ से देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से, प्रदेश सरकार की ओर से सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा में सामान्य के लिए 65 आरक्षित वर्गों के लिए 60% और कट ऑफ तय किया जाने के बाद जो है शिक्षा मित्र के चयन की संभावना कम हो गई है। और शिक्षा मित्रों को वेटेज का लाभ मिलने के बाद भी वो कम अंक मिलने से उनका चयन की संभावना कम हो गई है। सरकार के नए फरमान के बाद भी माध्यमिक शिक्षा मित्र के जिलाध्यक्ष मसीम अहमद की अगुवाई में आजाद पार्क में हुई बैठक में सरकार के मनमाने फैसले को विरोध किया गया है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ प्रयागराज के मीडिया प्रभारी संतोष शुक्ला ने कहा है कि सरकार की और से 65% और 60% का नियम तय करना एकदम विरुद्ध है। और ये संघ जिला संरक्षक सुरेंद्र पांडे ने कहा है कि शिक्षा मित्र सरकार के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और देख रहे हैं देंगे और जाएंगी, साथ ही सरकार की मरवानी का सड़क पर उतर कर देख रहे हैं। और यहां देख लेते हैं, विरोध दर्ज किया जाएगा और वहाँ शिक्षा मित्र 10 जनवरी को प्रयाग आगम मुख्यमंत्री को इस संबंध में मांग पत्र देकर राहत की मांग करेंगे। यहाँ देख रहे हैं 10 जनवरी यानी कल, यहाँ देख रहे हैं, और परीक्षा निरस्त करने के लिए आंदोलन तेज, देख रहे हैं परीक्षा निरस्त करने के लिए आंदोलन तेज। प्राथमिक विद्यालय में भर्ती के लिए 6 जनवरी को हुई सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रचार लीक होने से प्रचार लीक के बाद जो है परीक्षार्थियों का आंदोलन तेज हो गया। और परीक्षार्थियों का अभी भी देख रहे कहना है कि सरकार की परीक्षा निरस्त करके दोषी लोगों को खिलाफ कार्रवाई करें। और परीक्षार्थियों ने मंगलवार को परीक्षा नियामक कार्यालय पर प्रदर्शन कर आजाद पार्क तक जुलूस निकाला। और परीक्षार्थियों का कहना है कि वह बुधवार को अपनी मांग तेज करने के लिए शाम 5 बजे जो है परीक्षार्थियों का कहना है कि वह बुधवार को अपनी मांग तेज करने के लिए शाम 5 बजे परीक्षा नियामक कार्यालय से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। देख रहे हैं यानी शाम आज का अपडेट में बोल रहे हैं। तो जो दोस्तों, देखिए क्या होता है, आपको ये कैंडल मार्च निकलेगा और जो ही अपडेट निकल के आएंगे मैं आपको कल बता दूंगा क्या हुआ है। आपका परीक्षा निरस्त हो जाता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जो फेल हो चुके हैं उनके लिए, और जो पास है तो उनके तो बात ही अलग है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, हो सकता है आपका परीक्षा निरस्त हो सकता है, अरे पास हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन देखिए दूसरे के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि अब मानिए परीक्षा आउट हो गया है, तो जो सही बनाए हैं मानिए जो 60% 65% जो बनाए हैं और 40 मानिए 50 से नीचे बनाए हैं तो फेल हो जाएंगे ना। और पहले बार जानते हैं कि 40-45 लागू किया गया है, अब जो है 60-65 कर दिए हैं, यानी 20% और 25% सीधे बढ़ा दिया गया है। तो और जो 30-33 तो पहले ही बढ़ाया गया था और 40% लागू किया गया था, उससे भी इसमें ज़्यादा हाई कट ऑफ कर दिया है, इतना कट ऑफ कर दिया है कि अभ्यर्थी बहुत सारे शिक्षा मित्र भी फेल हो रहे हैं जिनको अभी वेटेज मिल रहा है, और उनके साथ BTC BEd वाले तो बुरा हाल है ही है। तो दोस्तों, ये परीक्षा जानिए 100% अब कैंसिल होगा, ये आप सोच लीजिए और जो समझिए। लेकिन देखिए आप आगे के अपडेट में बता दूंगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही काम खबरों के साथ अलर्ट अपडेट रहने के लिए NKC न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ काम खबर डेली कुछ कुछ अपडेट करते रहते हैं। यहाँ रेड कलर के बटन दिखता हुआ, इस पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल बटन को ऑन कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचती रहेगी। वीडियो अच्छी लगती तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिर नए अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।